सब्सक्राइब करें विनोद की रसोई चैनल को, बेल आइकन को दबाएं जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास फौरन पहुंच जाए। नमस्कार, विनोद की रसोई में आज आपका फिर स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं संडे स्पेशल रवा इडली और सांभर। सबसे पहले हम सांभर बनाएंगे और ये सभी को खाना बहुत पसंद आता है। आइए देख लेते हैं इसकी बनाने की विधि और इसकी सामग्री। हमने सांभर बनाने के लिए करीब 100 ग्राम दाल लिया था, जिसको हमने 3 से 4 घंटे भिगोने के बाद ये करीब डबल हो गई है, डबल बन, और इसको हम और हमने करीब 250 ग्राम कद्दू लिया हुआ है, इसको भी हमने छोटे टुकड़ों में काटा हुआ है, और हमने सहजन की फलियां ली हुई है, ये 2 लंबी स्टिक थी, इसको हमने छील के इस तरह टुकड़ों में काट लिया है, और करीब 200 ग्राम बैंगन है, जिसको भी हमने छील के इन छोटे टुकड़ों में हमने काट लिया है, और मसाले में हमारा ये सांभर मसाला है, ये करीब 2 से 2.5 चम्मच है, और एवरेस्ट मसाला हमने लिया हुआ है ये, और दाल पकाते समय हल्दी इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए हमने करीब 1/2 चम्मच हमने हल्दी लिया है, और इसमें हमने 2 बड़े टमाटर लिए हैं, जिसको हमने 1 टमाटर के 4 टुकड़े कर लिए हैं, और 4 हमने हरी मिर्च ली हुई है, और 3 से 4 चम्मच हमने इमली का पल्प लिया हुआ है, इसको हमने भिगो दिया था, और भिगोने के बाद इसका हमने गूदा निकाल लिया है, और तड़के में हम लगाएंगे 4 मिर्च लाल, और हमने 1 से 1.5 चम्मच हमने ये सरसों के दाने लिए हुए हैं। हमने 3 से 4 चुटकी हम हींग लेंगे, और हम कड़ी पत्ता यानी 3 से 4 हमने ये डंडियां इस तरह निकाल ली हैं। नमक स्वाद अनुसार हम लगभग इसमें 1 से थोड़ा सा ज़्यादा हम नमक इस्तेमाल कर रहे हैं, और थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम एक बर्तन लेंगे, यानी हमने कुकर लिया है, और उसमें हम धुली हुई दाल ये डाल देंगे, और इसमें हम नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, और इसको इसमें हम पानी डालेंगे, और इसको हम गलने तक, यानी 2 सीटी लगा के इसको हम गलने तक इसको पका लेंगे। लीजिए, जब तक दाल पक रही है तब तक हम उसके बाद हम इडली की तैयारी कर लेंगे। हमने सूजी को करीब हमने 1/2 किलो सूजी लिया था यानी 500 ग्राम, और इसको हमने भिगो दिया था करीब 3 से 4 घंटे, और भीगने के बाद इसमें सॉफ्ट हो गई, और इसको हम फेंट लेंगे और इसकी इडली बना लेंगे। इसको करीब 3 से 4 मिनट इसको इस तरह हम फेंट लेंगे, और ये कायदे से फिट जानी चाहिए, और 3 से 4 मिनट हो गए फेंटते हुए। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे करीब 1/2 चम्मच, और इसमें हम बेकिंग सोडा भी डालेंगे, बेकिंग सोडा हम करीब 1 चम्मच के करीब हम डालना है, और इसमें हम थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल डालेंगे, जिससे हमारी इडलियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। आप चाहे तो इनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इनो से भी बहुत बढ़िया इडली बन जाती है, मगर हम बेकिंग सोडा से ही इसकी इडलियाँ बहुत बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी, और इसको हम बराबर से फेंट लेंगे, और इसी जो घोल है बिल्कुल पतला नहीं होना चाहिए, और थोड़ा इस तरह का गाढ़ा ही होना चाहिए, तभी इडलियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगी। उसको एक बार हम फिर फेंट लेंगे, और हमने इडली मोल्ड को इस तरह हल्का सा इसमें ऑयल लगा दिया है, जिससे इडली हमारी आसानी से निकल आएंगी। अब हम इडली मोल्ड में अब हम 1 ही चम्मच इस तरह डालते चले जाएंगे, और पानी हमारा गर्म हो रहा है, इस तरह फेंटते हुए हम इस तरह की हम 3 ट्रे बनाएंगे, और दाल हमारा दाल में सीटी होना शुरू हो गई है, और इसको करीब हम 10 मिनट तक स्टीम करेंगे। देखिए, 2 सीटी लगने के बाद ये दाल भी हमारी ये गल गई है,
इस तरह। अब इसमें हम टमाटर और मिर्च और कद्दू और हम बैंगन और इसमें हम थोड़ी सी कड़ी पत्ती भी, कड़ी पत्ता हम ऐसे डाल देंगे थोड़ा सा, बाकी हम फ्राई करते समय डालेंगे, इससे अच्छा इसमें फ्लेवर आ जाएगा। और इसमें हम सांभर मसाला और ये सहजन की फलियां और थोड़ा सा इसमें हम पानी भी डालेंगे। सांभर बहुत गाढ़ा नहीं होता है, पतला ही होता है ये, तो इसको हम मिक्स कर देंगे। इसमें हमने करीब एक गिलास पानी और डाल दिया है और इसको हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें इसी समय हम थोड़ा सा हींग भी डाल देंगे और बाकी हम फ्राई करते समय डालेंगे। इसमें 2 से 3 चुटकी हम हींग डाल देंगे और इसको हम फिर पकने के लिए रख देंगे। करीब हम 1 सीटी लगाएंगे जब तक ये हमारी सारी सब्जियां गल ना जाए। दीजिए दाल जब तक हमारी ये पक रही, फिर दोबारा जब तक हमारी इडली भी तैयार हो गई है। और इडली को हमने एक बार बीच से ऐसे करके चेक कर लिया, देखिए बिल्कुल क्लीन निकला है। और इसको सारी इडलियाँ हम इस तरह निकाल लेंगे और इस तरह की हमने 3 ट्रे तैयार की हैं, देखिए इस तरह बिल्कुल सॉफ्ट बनी है ये। इस तरह हम सारी इडलियों को निकाल के कैसरोल में रख देंगे, ये देखिए। लीजिए हमारी ये 3 प्लेट हमने इडलियाँ बनाई थी और ये बना के हमने रख ली हैं और हमारा सांभर भी लगभग तैयार होने जा रहा है इस तरह। लीजिए हमारा सांभर बनके लगभग तैयार है और इसको हम खोल के एक बार चेक कर लेंगे। देखिए इसकी सब्जी सारी हमारी गल गई है इस तरह। अगर इसको आप पतला थोड़ा रखना चाहें तो आप रख सकते हैं और हम इस तरह करें। और इसमें अब हम इमली डाल देंगे और करीब इसको हम 1 मिनट और पकाएंगे खुला ही। और इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे, थोड़ा सा और पतला रखेंगे। और हमने इमली डालने के बाद इसको करीब हम 1 से 2 मिनट पकाएंगे और इसमें सारी सब्जियां गल गई। कुछ ही सब्जियां इसमें थोड़ी सी इस तरह की हैं, बाकी हमने अच्छे से इसको घोट लिया है। और इसमें हमने एक कटोरी करीब पानी डाल दिया था। सांभर थोड़ा पतला ही अच्छा लगता है। लीजिए सांभर हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब इसमें तड़का लगाएंगे। हमने तड़का लगाने के लिए एक पैन चढ़ा दिया है गैस पे और इसमें हम कुकिंग ऑयल डालेंगे और गर्म होने के बाद हम तेल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम सरसों के दाने डालेंगे और गैस को थोड़ा धीमा ही रखेंगे और इसमें लाल मिर्च डाल देंगे और इसमें कड़ी पत्ता डाल देंगे और कड़ी पत्ता डालते इसमें थोड़ा ध्यान रखें, ये बहुत जल्दी छिटकता है। और इसमें थोड़ा धनिया डाल देंगे और इसमें थोड़ा सा और थोड़ा फूटने तक इसको हम पका लेंगे इसे। तड़का हमारा ये बिल्कुल तैयार है और इसमें हम 1/2 चम्मच हम देसी मिर्च डाल देंगे, गैस ऑफ कर देंगे और हम तड़का लगा देंगे। ये बनकर तैयार है हमारा ये।
लीजिए बनकर तैयार है एक साउथ इंडियन एक स्वादिष्ट नाश्ता, रवा इडली और सांभर, जिसे बच्चे और बड़े सभी खाना पसंद करते हैं। और ये हमारे पेट के लिए भी बहुत ही सुपाच्य होता है और बहुत जल्दी ये बच भी जाता है। आप इसे हमारे दिए तरीके से ज़रूर बनाएं। आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।